हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए और बेहद खूबसूरत ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। आज ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आज गंगा जा रही है, अब गंगा को बेच दिया है हमने। दो गाय हो गई थी, मैं पाल भी नहीं पा रही थी और मेरी उंगली में भी थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो इस वजह से मैं गंगा आज जा रही है। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इसको मैंने ना बहुत छोटा बच्चा पाला था, बहुत छोटा, इसकी माँ और क्या कहते हैं, फिर इसको पाला। इसने अभी तीन बच्चे दिए जिसमें से पहला बच्चा मैंने बुड़लगांव भेज दिया था, बच्चिया हुई थी। दूसरे नंबर का मेरे पास है गौरी और तीसरे नंबर का ये है हमारा, इसका नाम मैंने नंदू रखा है। ये इसका मेल है और ये भी बहुत बढ़िया हुआ है। जो ले जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इसका सांड बनाएंगे। गंगा जा रही है रे, कितने साल रही हमारे साथ, हमने बहुत दिनाली खाई इसकी और क्या कहते हैं। थोड़ी देर में चले जाएगी मेरी गंगा और अभी खा रही है ये दाला, मैं इसको दाला खिला के भेजूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत प्यार करती हूँ जानवरों से और इस बात की खुशी की बहुत अच्छे कट जा रही है। क्या बोलते हैं, क्योंकि ताले वगैरह की मैं इनके लिए कोई कमी नहीं करती, इनको प्रोटीन वगैरह की रहता है मुझे कि कितना देना है, कैल्शियम कितना देना है, तो बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। यही खुशी है कि बहुत अच्छे कट जा रही है, लेकिन ये तो जानवर है बेचारा, भाव तो ये व्यक्त कर ही नहीं पाएगा, उसको अभी पता ही नहीं है, उसको थोड़ी देर में जाना भी है करके। हमारी गोठ में जाने से पहले उसका बच्चा दूध पी रहा है, इसको पिला के ही भेजती हूँ मैं। अभी का दूध निकाल लेती हूँ क्योंकि दिन का समय है, दूध निकालने का समय भी हो ही रहा है। पहले तो इसको खूब पिला देती हूँ। और उनका कहना था कि आपने ना बछड़ा भी बहुत बढ़िया बना रखा है, मैं भरपूर मात्रा में इसको भी दूध देती हूँ। गई गंगा, जा रही है अभी। तार में फंसेगा, आराम से। अपन तो नाली में पान पी मुझे तू अब वीडियो बना रहे हो ये उसमें एक टाइम ये सब की कारण से हो, ये गई हमारी गंगा, इनके साथ एक दूसरी गाय और है, ये हो गया है क्या, मेरे बाप भोतिया सुन तू इतना नहीं, ये तो हमारे बहुत सज्जन सन। गंगा को भेज दिया, धारचूला धारचूला जा रही है। चिब्बो ये का सिक्का होगी, तो पड़ेगा कर रहा है ना, कर रहा है यहीं पर हमारी गैया गंगा बेचारा, ये ले जा रहे हैं हम, इन लोग पूछो उनके ना 100 रुपए दुकान में। बारिश आनी शुरू हो गई है, रुमझुम रुमझुम बारिश होने लगी है। ये गंगा को पहुंचा कर मैं आ गई हूँ घर और गंगा को विदा कर दिया है मैंने आज, और इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो जा रही हूँ उसके बारे में सोच सोच कर। बहुत अच्छे से गई वो, चुपचाप उसने गाड़ी में चला। दिगो इस बोला मोर पहाड़ लगा है बिमलाल धमता रे और लगा है ख्वागा ख्वाग पोलन मरा। सुन बिमला मान लो उमरी हाँ ठीक रखे रहना मेरे लिए। ये देखो बागू के यहाँ पर से हम अब जलेबी खाने आ गए हैं, यहाँ पर बागू बना रहे हैं जलेबी मस्त मस्त तरीके से। और पता है गाय पाल की, गाय भी ऐसी पाल रखी है ना इन्होंने, आज एक गाय बेच रखी है। गंगा तो पता नहीं कहाँ पहुंची होगी हमारी, मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वड्डा की तरफ जाऊं करके, निशास लग रही हूँ मैं। जब आग की भट्टी चलती है ना तो कई काम साथ हो जाते हैं। आजकल मक्कों का सीजन चल रहा है पहाड़ों में, यहाँ पे मक्के भून रखे हैं, ये मैं खा लेती हूँ। और ऊपर बन रही है जलेबी, बागू कह रही है कि जलेबी बनने से पहले आप मक्का खा लो, तो मैं
मक्का खाती हूँ। बहुत ही बढ़िया हो रहा है मक्का खाने में, बहुत टेस्टी हो रहा है क्योंकि धीमी आज में इसको पका रखा है ना। भागू ने बना दिया मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी, थैंक यू भागू। ये जो जलेबी है ना ये वैसे ही है, फ्री में ही मैंने इसके रुपए नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर आई हूँ मैं तो बाबू ने खिलाने के लिए दे रखी है। अंगुली में कुछ इस तरह से इन्फेक्शन हुआ है तो अब इसका ट्रीटमेंट है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रही है। वड्डा से भी आ गई मैं, खरके से भी आ गई हूँ, उंगली में चीरा लगा दिया और अभी तो उंगली मेरी सुन्न की और उसके बाद चीरा लगाया। अभी दीदी ने हाथ लगाया, गौरी का दूध दीदी ने निकाला क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें और मुझे बहुत याद आ रही थी गंगा की भी। अब मैंने उनको फ़ोन किया, पहुंच गई है सही सलामत। बोल रहे थे कि अभी गाड़ी से जस्ट उतार रखा है उसको, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मक्के भी खाए, थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी मैं गंगा की वजह से। होता ही है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, तो थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट हो ही जाता है क्योंकि इमोशंस तो होते ही हैं, जानवरों के भी होते हैं हमारे प्रति और हमारे भी होते हैं उनके प्रति। काफ़ी साल वो हमारे साथ रही, लगभग 6-7 साल वो हमारी मेरे साथ रही, तो काफ़ी अटैचमेंट हो गया था उससे मेरा और इसका जो छोटा सा बच्चा है उससे भी अटैचमेंट हो गया था। लेकिन अच्छी जगह पहुँच गई है, अच्छी जगह चली गई है, तो मैं यही कामना करती हूँ प्रभु से, यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में भी वो उतना ही दूध देवे जितना हमारे घर में देती थी और उससे बढ़ के ही देवे जैसे वो यहाँ से ले गए हैं काफ़ी शौक से। अब खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ, अंगुली तो इस तरह से हो रही है। यही रही मेरी आज की दिनचर्या, यही रहा मेरा आज का इमोशनल वाला ब्लॉग।